नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सब इंतजार कर रहे होंगे क्लास सिक्स एवं क्लास नाइन्थ के प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म भरा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का, वो आवेदन जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये हिंदुस्तान का न्यूज है, उसी का मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेकर मैं एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो अभ्यर्थी क्लास सिक्स में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो उनके लिए जो आवेदन है ऑनलाइन, वो प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ जन्मतिथि को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। जो अभ्यर्थी क्लास सिक्स का एंट्रेंस देने के लिए सोच रहे हैं, जो अभ्यर्थी ऑनलाइन करेंगे क्लास सिक्स के लिए, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ध्यान दीजिएगा 1 मई 2009 व 30 अप्रैल 2013 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, और वो अभ्यर्थी कक्षा पांच में वर्तमान सत्र 2021-22 में वर्तमान सत्र किसी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तभी वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको इस जो नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए मेंशन है, उस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आराम से आप फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो आपका पेपर है, ठीक है, एडमिशन के लिए जो आपका पेपर है प्रवेश परीक्षा, वो आपका 30 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपका क्लास सिक्स में प्रवेश हेतु जो परीक्षा होगा, एंट्रेंस एग्जाम, वह आपका 30 अप्रैल 2022 को होगा। ठीक है, चलिए आइए साथ ही साथ हम क्लास नाइन्थ के लिए भी बातचीत कर लें। देखिए, क्लास नाइन्थ में प्रवेश हेतु भी ऑनलाइन आवेदन जो है आपके शुरू हो गए हैं। ओके, अब उस अभ्यर्थी का जो क्लास नाइन्थ के लिए फॉर्म भरना चाह रहा है, उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ की जो रिक्वायर है, वो आपका ध्यान दीजिएगा, उसकी जो जन्मतिथि है वो 1 मई 2006 के बाद वो 30 अप्रैल 2010 के बीच का होना चाहिए। ओके, यानी कि जो अभ्यर्थी क्लास नाइन्थ के लिए फॉर्म भरने की शुरू मतलब सोच रहा है, तो उनके लिए जो जन्मतिथि है उनका 1 मई 2006 के बाद वो 30 अप्रैल 2010 के बीच का होना चाहिए। ओके, और वो अभ्यर्थी 2021-22 में किसी सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो इस समय। ठीक है, तो वो अभ्यर्थी आराम से इस फॉर्म को भर सकता है। और देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे दो वेबसाइट दिया गया है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर आराम से इसे फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, और जिसके लिए आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो 30 अप्रैल 2022 को आयोजित कराई जाएगी क्लास नाइन्थ का भी। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नए वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ।